हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट से। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम इन द क्लोज पैकिंग। तो जैसा कि आपने देखा कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा कैसे? तो जब छह स्फेयर, छह एटम एक दूसरे को सराउंड करेंगे, तो बीच में जो फ्री स्पेस बचेंगे वही फ्री स्पेस में क्या बनने वाले हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जनरली आप देखोगे उसका व्यू जो दिखेगा उसमें ना चार स्फीयर को हम लोग लेंगे और उसके बीच वाला वॉइड्स को दिखाएंगे। ऊपर नीचे वाला जो है फ्रंट वाला और बैक वाला जो स्फीयर को हम लोग सॉन नहीं करेंगे, ठीक है ना? आई मीन दिखाएंगे नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे पिक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ध्यान देंगे। ये मान लो हमने इसका फ्रंट व्यू देखा तो दिख रहा था कि चार स्फीयर है और बीच में जो है एक वॉइड बन रहा है। इस वॉइड को हमने मान लिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो सभी स्फीयर के सेंटर से एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और एक लाइन जो इसका जो डायगोनल बन रहा है वो वॉइड के सेंटर से होके क्रॉस करेगा। तो देखो इस एटम की रेडियस को कैपिटल आर मान लो और वॉइड की रेडियस को स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो लेट ए बी द लेंथ ऑफ, देखो यहां पर हम लोग ले लेंगे लेंथ, ये ए को एज लेंथ मान लेते हैं ऑफ यूनिट से। लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कॉमा आर बी द रेडियस ऑफ, आर बी द रेडियस ऑफ एन एटम एंड स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ओके, तो देखो हमें यही कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर को ए बी सी डी आप कंसिडर कर लो, इसको हम बीच में क्या लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहां पर इन ट्रायंगल को एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, मान लो ए बी डी ले लिए, ठीक है? यहां पे ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में ध्यान देंगे कि बी डी जो हो जाएगा वो अंडर रूट ए बी स्क्वायर और जोड़ ए डी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। और देखो ये बी डी जो है, बी डी किसके किसके बराबर होगा, ध्यान दो, कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल आर। देखो ये पूरा लेंथ जो है कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर के सम के बराबर होगा, और ए बी जो हो गया ए स्क्वायर के बराबर होगा, और ए डी जो होगा ये भी ए स्क्वायर के बराबर होगा। और आप देख रहे हैं कि ये ए जो है टू कैपिटल आर के क्या है, बराबर है। देखो यहां से ये आर, यहां से ये आर, इसको कैसे लिखोगे, टू बाहर है तो आर प्लस आर कर लो और ये हो जाएगा रूट टू ए स्क्वायर। इसको किस तरीके से लिखा जाए, तो टू इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू रूट टू इंटू ए, रूट टू इंटू ए। ओके, तो देखो ये ए बराबर टू आर लिखोगे तो टू इंटू आर प्लस आर बराबर रूट टू इंटू टू आर, और बगल में लिख देना क्योंकि ए बराबर कितना, टू आर। देखो टू से टू गया तो क्या बचा, आर प्लस आर बराबर रूट टू इंटू आर, तो आर बराबर हो जाएगा रूट टू आर माइनस आर। तो आर बराबर आर कॉमन ले लो तो रूट टू माइनस वन, तो आर बराबर आर रूट टू का वैल्यू देखो 1.414 माइनस वन, तो आर बराबर 0.414 हो जाएगा, तो आर बराबर 0.414 कैपिटल आर के क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके से आप ये वैल्यू याद रखोगे कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम जो होगा क्लोज पैकिंग में वो क्या होगा, स्मॉल आर बराबर, स्मॉल आर क्या हो गया रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.414 टाइम्स इंटू रेडियस ऑफ एन एटम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिलेशन। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम इन द क्लोज पैकिंग। तो आप सिंपली इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।